नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पना आपका अपने चैनल फील्ड अरोमा में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बेहद ही खास रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए मूंग दाल से बनने वाली मंगोड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बहुत से वेरिएशन के साथ बनाया जाता है। इसे पीली मूंग दाल के साथ भी बनाया जाता है और ग्रीन मूंग दाल के साथ भी इसे बनाया जाता है। मूंग दाल से बनने वाली इन मंगोड़ियों का स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। इसे डिफरेंट डिफरेंट मसालों के इस्तेमाल के साथ बनाया जाता है। कहीं पर ये बहुत मसालेदार बनाया जाता है तो कहीं पर ये सिंपल आपको मार्केट में प्लेन मंगोड़ी भी आसानी से मिलती है। दोनों का ही टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। कुछ चुनिंदा मसालों के साथ मैंने इसे बनाया है, यकीन मानिए कि बहुत टेस्टी बना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिना मशीन के हम घर पर कैसे मंगोड़ियों को एकदम मार्केट जैसा बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है बनाना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं ले रही हूँ 1 कप पीली मूंग दाल। इसे मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया है। इसे पानी से अच्छी तरह धो लेंगे, उसके बाद पानी में 2 से 4 घंटे इसे सोख होने के लिए रख देंगे। ढाई घंटे हो चुके हैं, दाल अच्छी तरह सोख हो गई है। मैंने इसे सुबह 5 बजे सोख होने के लिए रखा था, अभी 7:30 बज गए हैं। दाल का पानी छान लेंगे और इसे 2 चम्मच पानी के साथ पीस लेंगे। दाल में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। दाल का पेस्ट बहुत पतला नहीं होना चाहिए, ज़रूरत लगे तो ही पानी डालें। दाल का अच्छे से पेस्ट बनाना है, इसके लिए मैंने इसमें 2 चम्मच पानी इस्तेमाल किया है। देखिए मैं दिखाती हूँ, दाल की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अच्छी तरह दाल पिस जाना चाहिए। धीरे धीरे करके मिक्सी चलाएं और दाल को पीस लें। इसी तरह बाकी बची दाल को भी मैंने पीस लिया है। दाल का पेस्ट हमारा रेडी है। इसे 2 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। बहुत पतला नहीं है, बहुत थिक नहीं है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच हींग। मैंने यहाँ पर कुछ साबुत धनिया लिया है और साबुत मेथी दाना लिया है, इसे मैंने क्रश कर लिया है। इसे भी अब ऐड कर देंगे। धनिया का टेस्ट मंगोड़ी में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक स्वाद अनुसार। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैंने मिश्रण को फेंट लिया है। मिश्रण जितना अच्छे से फेंटेंगे बढ़िया उतनी हल्की बनती हैं, तो मिश्रण को अच्छे से फेंट लेंगे। बढ़िया बनाने के लिए मैं नोज़ल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने पाइपिंग बैग में गोल नोज़ल ले लिया है। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो आप सिंपल पाइपिंग बैग को कट करके भी कर सकते हैं। पाइपिंग बैग को मैंने ग्लास में इस तरीके से सेट कर दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मिश्रण डालेंगे। इस
तरीके से मैंने इसमें डाल लिया है। इससे बड़ियां बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। मैं प्लेट पर इस तरीके से बड़ियों को डाल दे रही हूँ। मैं यहाँ डेमो दिखाने के लिए मैंने प्लेट पर डाला है। बेस्ट रिजल्ट के लिए तो इसे किसी कपड़े पर डालना ही अच्छा है, निकालने में आसानी रहती है। धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए हम बड़ियों को डाल देंगे। बड़ियों को हमें इस तरीके से बनाना है कि उसका ऊपर एक पॉइंट बन जाए, तो देखने में एकदम मार्केट जैसा दिखता है। सूखने के बाद बड़ियाँ एकदम मार्केट जैसी लगेंगी। बिना मशीन के घर में बहुत ही आसानी से बन जाती हैं ये बड़ियाँ, देखने में भी सुंदर लगती हैं। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो आप हाथ से भी इसको डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये सारी बड़ियाँ डाल दी हैं, देखने में सुंदर लग रही हैं। बाकी बचे हुए मिश्रण से भी हम ऐसे ही बना लेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे सारी बड़ियाँ डाल दी हैं। ये सूखने के बाद बहुत ही अच्छी निकलती हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए कपड़े पर ही डालें। प्लेट में अगर आप डालते हैं तो उसे सूखने के बाद निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप प्लेट पर डाल रहे हैं तो 2 घंटे के बाद उसे निकाल लें और उसे वापस किसी सूखे सूती कपड़े पर ही डालें। इन वड़ियों को 2 दिन अच्छी धूप में सूखने के लिए रख दें। 2 दिन धूप दिखाने के बाद ये वड़ियाँ अच्छी तरह सूख गई हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से निकली हैं, एकदम मार्केट जैसी लग रही हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।